Date Bina Break. Download Tak App. संसद में अनंत हेगड़े के विवादित बयान की गूंज, विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। एनआरसी पर गृह राज्य मंत्री का बयान, पूरे राज्य में लागू नहीं होगा कानून। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा, 12 बजे के लिए सदन स्थगित। राज्यसभा में भी हंगामा, कोरोना वायरस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने लगाए गोली चलाना बंद करो के नारे। मिस्टर विनय विश्वम जीरावत इज नॉट देयर, मिस्टर मानस रंजन बुरिया नॉट देयर, श्री वाइको जीरावर वाइको, मिस्टर चार्ल्स। राज्यसभा में निर्भया के दोषियों की फांसी का मुद्दा, संजय सिंह ने जल्द इंसाफ की मांग की। जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार पर देरी का आरोप लगाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बोडो समझौते और बजट पर की बात, कहा बजट पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। नड्डा ने सांसदों से दिल्ली जीत पर फोकस करने को कहा, पार्टी की नाराजगी की वजह से बैठक में नहीं मिली अनंत हेगड़े को एंट्री। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने प्रचार के अंतिम दौर में झोंकी पूरी ताकत, 240 सांसदों को जिम्मेदारी। महात्मा गांधी पर बयान देने वाले हेगड़े पर गिर सकती है गाज, दिल्ली में कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष से मिले। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष ने हेगड़े पर अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी। दिल्ली चुनाव में आरजेडी ने आपके समर्थन का किया ऐलान। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बीजेपी केजरीवाल पर तीखा हमला, बताया दिल्ली का नालायक बेटा। बीजेपी ने राष्ट्रपति के सामने उठाया पश्चिम बंगाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा, कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का कल राष्ट्रपति भवन पहुंचा। पटना में नीतीश के खिलाफ आरजेडी के नए पोस्टर, गंभीर आरोप। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो की तैयारियां तेज, कल पीएम करेंगे उद्घाटन। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मुंबई में लगाए पोस्टर, बांग्लादेशियों को भारत छोड़ने को कहा। सीए कानून लागू होने के बाद बढ़ रही है हिंदू शरणार्थियों की तादाद, सोमवार को अटारी बॉर्डर के जरिए अमृतसर पहुंचे 100 हिंदू परिवार। नए साल में अब तक अमृतसर में 200 हिंदू परिवारों की एंट्री, भारत सरकार ने नागरिकता की मांग की। कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में रात भर वीसी का घेराव, को ठीक करने की मांग। गुरुग्राम में आपसी रंजिश में मारपीट का वीडियो वायरल, लाठी डंडे चले, 5 को गंभीर चोटें। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार सलजी लिमान के लैपटॉप से बरामद साजिश का पैम्पलेट लिखा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान दिलाने के लिए दिल्ली में उपद्रव को तैयार हजारों मुस्लिम युवा। जामिया में 15 दिसंबर को भड़की हिंसा से भी जुड़े सरजील के तार, हिंसा केस में हो सकती है गिरफ्तारी। अलीगढ़ में देश विरोधी बयान देने वाले शर्जिल की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ी। मुंबई में आजाद मैदान में शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी करना प्रदर्शनकारियों को पड़ा भारी, 50 पर देशद्रोह का केस। शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी करने वाली एक छात्रा उर्वशी जुड़ेवाला की हुई पहचान, पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने अलीगढ़ से अजीत नाम के एक रस्कर को गिरफ्तार किया, जामिया फायरिंग में इसने हथियार बेचा था। जामिया के बाहर फायरिंग की खबर के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, जबरदस्त चेकिंग। शाहीनबाग में भी सुरक्षा सख्त, एंट्री के लिए आपको बतानी होगी उचित वजह। सीजेआई की बेंच के सामने शाहीनबाग में प्रदर्शन का मामला, अदालत ने रजिस्ट्रार दफ्तर में ऑफिसर के पास भेजा मामला। जामिया में 15 दिसंबर को छात्रों और पुलिस की झड़प की जांच को लेकर छात्रों की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, अदालत 29 अप्रैल को अगली सुनवाई। दिल्ली में फिर पीएम मोदी की चुनावी सभा, द्वारका में करेंगे रैली। दिल्ली में आज कांग्रेस दिखाएगी अपना दमखम, राहुल गांधी संगम विहार में करेंगे पहली जनसभा, बाद में जनपुरा में रैली। दिल्ली चुनाव में प्रियंका की भी हुई एंट्री, कल सोनिया भी दिल्ली में करेंगे प्रचार।
दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी करेंगे शाम 5 बजे राजौरी गार्डन में प्रचार। चीन में जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 100 के पार पहुंची, अब तक 20,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में। वायरस के फैलते दायरे से चीन में बड़ी दहशत, 2 और शहरों को किया गया बंद। हांगकांग में कोरोना वायरस से पहली मौत, 40 साल के मरीज की मौत हुई। 5 फरवरी से मुंबई बीजिंग रूट पर अपनी सेवा रोकेगी एयर चाइना, कोरोना की वजह से फैसला। कोरोना से केरल में राज्य की आपदा घोषित, अब तक 3 मामले सामने आए, 2,500 संदिग्ध। भारत पाकिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, बैन खत्म होने के बाद टेस्ट टीम में पृथ्वी शॉ की वापसी। शुभमन गिल को भी मिली जगह, रोहित वनडे और टेस्ट टीम से बाहर चोट लगने की वजह से। चोट की वजह से बाहर ही रोहित की जगह खेलेंगे मयंक अग्रवाल। पहले 2 वनडे के लिए चोट के चलते न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन बाहर, टॉम लथम संभालेंगे अब न्यूजीलैंड की कमान। ट्रंप के मध्य पूर्व शांति प्लान पर बवाल, लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिका इसराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। मोहम्मद तौफीक अल्लावी बने इराक के प्रधानमंत्री, नियुक्ति के खिलाफ राजधानी बगदाद में भारी विरोध। कोलंबिया में बुल फाइटिंग के खिलाफ कोहराम, सड़क पर उतरे हजारों लोग। अर्जेंटीना की नौसेना 20 समंदर एक नाविक को किया रेस्क्यू, पड़ा था ऐसे दिल का दौरा। दुबई में कोबे ब्रांड को दी गई श्रद्धांजलि, रोशनी में नहाई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा।